दोस्तों आज बताता हूँ फ़ोन को रीस्टार्ट करने के फ़ायदे। इनको अपने ध्यान में रख लेना भाई, बहुत सारे बंदे गलतियाँ करते हैं। देखिए अभी अभी मेरे पास 5 मिनट पहले ये कस्टमर लेके आया है, मोटरोला एज 40, में माइक में आवाज़ जा ही नहीं रही थी और ये बंदा कई दुकानों पर दिखा चुका है, किसी ने 800 बोला, किसी ने 1000 बोला। अभी मैंने उसके सामने ही रीस्टार्ट किया है, बस खाली फ़ोन बंद करके फ़ोन ऑन किया है बस, और कुछ नहीं किया। भाई साहब आवाज़ जाने लगी। तो मोटरोला में ज़्यादातर ये दिक्कत आती है भाई, मोटरोला यूज़र सुने ध्यान से इस चीज़ को। अगर आपके फ़ोन में स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही या फिर रिंगर में आवाज़ आपके गाने वाने की आवाज़ नहीं आ रही, एकदम से रुक जाती है और आप कुछ भी बजा रहे हो, ना रिंगटोन बज रही है ना गाना बज रहा है, तो आप घबरा जाते हो, आप दुकान पे पहुंच जाते हो। भाई सबसे पहला काम मैंने आपको पहले भी बता रखा, आप रिस्टार्ट कर लीजिएगा अपने फ़ोन को। उससे पता क्या होता है, आपके फ़ोन में दोबारा आवाज़ आ जाएगी भाई, दोबारा से सारी एप्लीकेशन दोबारा रन हो जाएंगी। कोई कोई एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो स्टक कर देती हैं आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल के सिस्टम को। वो माइक को उसने स्टक कर दिया था तो आवाज़ नहीं जा रही थी बिल्कुल भी, और आवाज़ आ रही थी बात करते वक्त, यहाँ स्पीकर से तो आवाज़ आ रही थी मगर जा नहीं रही थी। उसको एक बंदे ने 800 बताए, एक बंदे ने 1000 रुपये बताए। अब मैंने खाली उसका फ़ोन रीस्टार्ट कर दिया भाई, बंदे ने काफ़ी रिस्पेक्ट दी, अच्छा लगा। क्योंकि देखिए किसी के सामने अगर आप ये काम कर दोगे ना ईमानदारी वाला, तो भाई वो कस्टमर आपका आगे भी बन जाएगा। मोबाइल रिपेयर वाले भी भाई इन चीज़ों को ध्यान से सुने, वो ये सोचते हैं कि यार फ्री में क्यों काम करें, हमने सीखी हैं चालाकियाँ जो सीखी हैं ना, कि हम फ्री में काम क्यों करके दें किसी को, हम तो पैसे लेंगे। भाई ऐसा नहीं, भले ही उसके फ़ोन में अब आगे जाके कभी भी कोई दिक्कत आएगी ना, तो वो कस्टमर मेरा बन चुका है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। और देखिए रिस्टार्ट करने से काफ़ी सारी दिक्कतें ठीक होती हैं, आप समझ लीजिए कौन सी। और ऐसा ही नहीं है दोस्तों कि मोटरोला के फ़ोन में ही ऐसी प्रॉब्लम आती है, भाई मैं सैमसंग में भी देख चुका हूँ, उसमें भी माइक की आवाज़ एकदम मतलब स्टक हो जाएगी, जाएगी ही नहीं आवाज़ आपके दूसरे बंदे के पास, और आप परेशान कह, दूसरा बंदा कहेगा हेलो हेलो बोलो, अरे कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, हेलो बोलो बोलो, और आपके यहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं जाएगी। उस कंडीशन में आप दुकान पे पहुंच जाओगे भाई, दुकान वाला तो अपने टैलेंट के अपनी चालाकी के पैसे लेगा आपसे, ठीक है। तो आपको क्या करना, सबसे पहला काम तो मैंने आपको ये बता दिया भाई, रीस्टार्ट कर लेना। रीस्टार्ट करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, रीस्टार्ट ना करने की वजह से कभी कभी कोई कोई ऐप्स जो है होती हैं स्टक हो जाती हैं। आपको बताऊँ, वन प्लस में मैंने अभी परसों ही एक काम किया था, फ्रंट वाला कैमरा नहीं चल रहा था उसका, फ्रंट वाले मतलब कैमरा ऑन करते जब फ्रंट पे उसको लाते हैं कैमरे को, तो वो ऑटोमेटिक बैक पे चला जाता था। तो ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, ये सिर्फ मैंने रीस्टार्ट किया और कुछ नहीं भाई साहब, कस्टमर परेशान था, कह रहा भाई कोई कह रहा कैमरा ख़राब हो गया, कोई कुछ भाई आप देख लो, कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम बता रहा है, तो मैंने खाली रीस्टार्ट किया। देखिए एक नॉर्मल यूज़र होता है ना, उसे नहीं पता होता इस बारे में भाई कि रीस्टार्ट भी फ़ोन करने से कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि ये रीस्टार्ट से भी कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि ये फ़ोन होता है ना, आप इसको ऐसे करोगे ना, इस पर रिबूट, आपके फ़ोन में या तो रिबूट लिख के आएगा या रीस्टार्ट, आप रिबूट या रीस्टार्ट दोनों में से एक चीज़ कर लिए, दोनों एक ही चीज़ होती है भाई, सेम ही होता है। किसी के फ़ोन में कुछ लिखा रहता है, किसी के फ़ोन में कुछ लिखा रहता है, तो आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा। कभी भी अगर आपका फ्रंट वाला कैमरा या बैक वाला कैमरा ये ना चले ना अचानक से, और आपको पता कि भाई मेरा फ़ोन पानी में भी नहीं गिरा है, मेरा फ़ोन हाथ से भी नहीं गिरा, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहला काम करना है रीस्टार्ट। अगर अचानक से बंद हो जाए कोई भी चीज़ चलते चलते, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। और चार्जिंग पर चार्जिंग का भी ये फड्डा मैंने देखा है सैमसंग के अंदर, इसी के जो फ़ोन होते हैं ना टाइप सी चार्जर लगने वाले, सैमसंग के फ़ोनों में अक्सर ये प्रॉब्लम मैंने देखी है। देखिए मैं अपने सर्विस सेंटर से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इसलिए बता पा रहा हूँ आपको कि चार्जर लगाया शो ही नहीं कर रहा कुछ भी, चार्जिंग शो नहीं कर रहा, और फ़ोन रीस्टार्ट किया मैंने एकदम ओके रिपोर्ट, फास्ट चार्जिंग भी शो कर रहा है। तो ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये आ जाती हैं भाई रीस्टार्ट ना करने की वजह से, मतलब फ़ोन में कुछ ऐप्स वगैरह जो होती हैं वो स्टक होने की वजह से हो जाता है। तो आप पैनिक मत होना कभी भी भाई, रीस्टार्ट कर लेकर अपने फ़ोन को। देखो कैमरे की प्रॉब्लम अगर आती है सबसे पहले आपको रीस्टार्ट करना है, आपके पास चार्जिंग की प्रॉब्लम अगर आ जाती है कभी, चार्जिंग शो नहीं कर रहा है और आपको लग रहा है कि चार्जर भी ठीक है जैक भी ठीक है, तो सबसे पहले रीस्टार्ट कीजिएगा। आवाज़ नहीं आ रही हो आपके नीचे से गाने वाने की तो भी आप रीस्टार्ट कीजिएगा, यहाँ फ्रंट वाले स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही हो तो भी आप रीस्टार्ट करना, माइक से आवाज़ नहीं जा रही हो आपकी तो भी आप रीस्टार्ट करना, आपकी हैंड फ्री कनेक्ट नहीं हो रही हो, आप सबसे पहले रीस्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचना, किसी दुकान पर जब भी लेके जाना, वरना भाई दुकान वाला तो आपसे सीधा बोल देगा भाई 800 रुपये लगेंगे 1000 रुपये लगेंगे, और आप दे भी आते हो और वो बंदा सीधा रीस्टार्ट करता है बस, अब वो आपसे छुपा के करेगा। बहुत सारे बंदों के काउंटर आपने देखे होंगे जो छुपे हुए होते हैं, वो बंदा क्या करेगा, बस आपको कह देगा भाई 1 घंटा लगेगा बैठ जा, और आपको 1 घंटे बैठाए रखेगा। भाई साहब चाहे आपका कितना काम ज़रूरी हो, आप बैठे रहोगे पागलों की तरह वहाँ पर 1 घंटे, और वो बंदा उसको क्या काम करना है, वो सिर्फ बस ये करके रीस्टार्ट करके और फ़ोन को रख देगा साइड में और कुछ और खोल के लग जाएगा उसमें, कहेगा हाँ अभी ठीक हो रहा है, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। मैंने ऐसे ड्रामे खूब देखे भाई दुकानों पे होते हुए, ठीक है।
तो आपको वीडियो कैसी लगी और ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।